हेलो दोस्तों, टेक्निकल वॉलेट की नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है iPhone 6s Plus। तो इसमें आज हम फोन पे वर्क करता है नहीं प्रॉपरली, इसको आज हम टेस्ट करके देखेंगे। तो ये हमारा बहुत सारे कमेंट आए थे, सब्सक्राइबरों ने कमेंट किए थे कि iPhone 6s Plus पे जो हमारा फोन पे वर्क करता है नहीं सही से, उसको ऊपर एक वीडियो बना। तो इस वीडियो में आज हम उसके बारे में जानेंगे और पूरी क्लैरिफाई हो जाएंगे कि फोन पे ऊपर ये काम करता है नहीं, इसमें मतलब UPI ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ सही से वर्क करता है नहीं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये मैं अभी फोन पे ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिसलाइन कर देता हूँ। अभी थोड़ा किसी के पास भी हो हम पेमेंट सेंड करके देखेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं 5 रुपये ट्राई करता हूँ पेमेंट करने के लिए। तो ये हमारा वर्क करता है नहीं प्रॉपरली, इसको देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे उसका जो UPI पिन डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UPI पिन थोड़ा मैं पे डाल देता हूँ। तो डन, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपका पूरी तरह से क्लैरिफाई हो चुका है। आपका iPhone 6s Plus पे UPI ट्रांजेक्शन आराम से होता है और आप यहाँ पे फोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, फोन पे भी ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं पेमेंट डाउन हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप बहुत ही आराम से यहाँ पे पेमेंट वगैरह सब कुछ ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे और फोन पे भी बिल्कुल ही बेझिझक से यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे वर्क करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ, उसके पहले भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन किया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी थोड़ा मैं हायर अमाउंट यहाँ पे डाल के ट्राई करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपये यहाँ पे ट्राई करता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है यहाँ पे अकाउंट पे, फिर भी ट्राई कर देता हूँ। यहाँ पे क्या शो करता है आपको बताता हूँ। यहाँ पे UPI ID डाल दिया और अभी यहाँ पे हाँ अभी आपको यहाँ पे पेमेंट फेल बता रहा है 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद। तो यहाँ पे क्या हमको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो जानने की चीज़ जो जिसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो इसको नज़दीक से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, यहाँ पे बता रहा है कि यू कैन ओनली सेंड मैक्सिमम ऑफ 5,000 पर डे फ्रॉम न्यूली एडेड बैंक अकाउंट, प्लीज ट्राई विथ अमाउंट बिटवीन 1 to 5,000 अंडर। ये 24 आवर के अंदर अभी मेरा ये न्यूली फोन पे ऐड किया हूँ इस आईफोन पे। तो ये सभी स्मार्टफोन पे दोस्तों ये बताता है कि जो भी न्यूली मतलब ऐड होता है जो फोन पे में, तो 24 आवर के अंदर ये 5,000 के अंदर ही ट्रांजेक्शन करने के लिए बोलता है फोन पे। 5,000 ट्रांजेक्शन के बाहर ये 24 आवर के बाद आप कर सकते हैं। तो ये सभी स्मार्टफोन में बताता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा आईफोन पे। ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, iPhone 6s Plus पे फोन पे वर्क करता है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख के वीडियो क्लैरिफाई हो चुके होंगे कि iPhone 6s Plus पे फोन पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे ही टेक्निकल के रिलेटेड बहुत मजे और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा टेक्निकल वॉलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू दोस्तों।